स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 1 इंटीजर्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर का, नंबर सिस्टम हम पहले पढ़ लेते हैं। आप सबको मालूम होगा व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जांपल 1, 2, 3, ……, अप टू इन्फिनिटी, ये क्या है? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट सेट, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा होल नंबर। होल नंबर में, नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? होल नंबर में आप जीरो ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर्स में, तो होल नंबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, ……, अप टू इन्फिनिटी। आज का टॉपिक है आपका इंटीजर्स। तो नया जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इंटीजर्स, नंबर सिस्टम। और इंटीजर्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय आई, बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सेट। बस ये आप ध्यान रखना। तो व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स में सबसे पहले तो सारे होल नंबर्स रहेंगे, और उसके साथ में क्या रहेगा? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब होल नंबर्स आपके कहाँ हैं? 0, 1, 2, 3, अप टू इन्फिनिटी, ये हमने लिख दिया होल नंबर्स। इसके साथ में हमें क्या करना है? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब −1, −2, −3, ……, अप टू −∞। तो ये पूरा मिलाकर हो गया अ सेट ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय जेड। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। उसके लिए पहले आप एक टेबल यहां समझ लें। क्या आपको करना है और साइन कौन सा लगाना है? अगर आपके पास दोनों प्लस साइन या दोनों माइनस साइन है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे? सेम साइन में हम करते हैं प्लस। और अगर साइंस डिफरेंट है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो आपको क्या करना है? माइनस। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में हमको करना क्या है, प्लस करना है कि माइनस करना है, कंफ्यूजन होता है कुछ स्टूडेंट्स को। तो साइन सेम होंगे तो आपको प्लस करना है, साइन डिफरेंट होंगे तो आपको माइनस करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया कि करना क्या है, प्लस करना है कि माइनस करना। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है? साइन। तो साइन कौन सा लगाएंगे आप? ग्रेटर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए +2, +5, ठीक है, दोनों का साइन सेम है, आप ऐड करेंगे 5, 2, 7, साइन किसका? ग्रेटर का लग जाएगा। मान लीजिए −2, −5, साइन सेम है, प्लस करेंगे 5 and 2 and 7, साइन किसका लगेगा? ग्रेटर का, माइनस साइन लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल −2, +5, साइन डिफरेंट है, माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3, साइन किसका लगेगा? ग्रेटर का। उसी तरह से +2, −5, साइन डिफरेंट है, आप माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3, और साइन किसका लगेगा? ग्रेटर, 5 ग्रेटर है, तो ग्रेटर 5 का साइन माइनस लग जाएगा। फिर से देख लीजिए जरूर, साइन सेम होंगे तो हमें प्लस करना है, साइन डिफरेंट होंगे तो माइनस करना है। लेकिन साइन किसका लगाना है? साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का ही लगाना है। कई बार आप देखेंगे कि डबल साइन लगे होते हैं, प्लस माइनस, जहां भी डबल साइन लगे हैं तो उसको आप क्या करना है? कंबाइन करना है साइंस को, दोनों साइन को कंबाइन करके एक सिंगल साइन लगाना है। तो इसका सिंपल रूल ये है कि साइन सेम होंगे तो आपको प्लस लिख लेना है, और साइन डिफरेंट होंगे तो आपको उसको माइनस लिख देना है। ठीक है, ये रूल है किसके लिए? डबल साइन को कंबाइन करने का रूल। साइन सेम होंगे तो आप प्लस साइन लिखेंगे, साइन डिफरेंट होंगे तो आप माइनस साइन लिखेंगे। यहां पे क्या देख रहे हैं? साइंस डिफरेंट है, आप लिख देंगे −8। इस तरह से जब भी दो साइंस होंगे तो आप उसको कंबाइन करके सिंगल एक साइन ही करेंगे, उसके बाद ही सिंप्लीफिकेशन करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। एग्जाम्पल देखिए, 5 − −8, आपने देखा यहां डबल साइन है, कंफ्यूजन हो रहा है कि करना क्या है, बेसिकली प्लस करना है कि माइनस करना है।
तो 5 को एज इट इज लिखेंगे, डबल साइन को एलिमिनेट करके कंबाइन करके सिंगल साइन, साइन सेम है, आंसर आएगा यहाँ पे प्लस, और 8 एंड 5 इज 13, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, आपने देखा एक नंबर लाइन बनी है और उसमें कुछ टेम्परेचर्स दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द टेम्परेचर्स ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले आप देखेंगे दिस इज बेंगलुरु, 20 के बाद 21, 22, बेंगलुरु का टेम्परेचर 22। ओटी टेम्परेचर 15 से कम 14, शिमला का टेम्परेचर 5, श्रीनगर का टेम्परेचर 0, -1, -2, और लाहौल स्पीति का -5 के बाद -6, -7, -8, ये टेम्परेचर्स जो आपको मार्क करने बोले थे। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट है, राइट द टेम्परेचर्स, ठीक है, तो टेम्परेचर्स हो गए, काफ़ी इजी था ये। सेकंड पार्ट में पूछा है डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। तो व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, इट इज बेंगलुरु, एंड व्हाट इज द कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस इज लाहौल स्पीति, और हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस। तो इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, डिफरेंस जब भी हम निकालेंगे इट इज ऑलवेज द ग्रेटर नंबर माइनस द स्मॉलर नंबर, मतलब हमें करना है बेंगलुरु माइनस लाहौल स्पीति। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है 22, माइनस लाहौल स्पीति इसका टेम्परेचर कितना है -8। आपने देखा कि क्या हो गया, दो साइन आ गए, डबल साइन, डबल साइन आते हैं तो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं 22 को, ठीक है, दो साइन सेम है तो कर देंगे प्लस 8, 22 एंड 8 इज 30, द डिफरेंस बिटवीन द टू टेम्परेचर्स इज 30। थर्ड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है -8, और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2। इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, जो राइट की तरफ होता है वो ग्रेटर होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, आप करेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर माइनस टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है -2, और टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति कितना है -8, और आपको डिफरेंस फाइंड करना है तो माइनस करना, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू माइनस द स्मॉलर वैल्यू। तो ये -2 है, यहाँ पे दो साइन हो गए तो कंबाइन करना है, कंबाइन करके सिंगल साइन, साइन सेम है तो क्या करते हैं प्लस लगा देते हैं 8, और 8 -2 इज 6, ठीक है। इसका रूल भी हमने पढ़ा था कि साइंस जब डिफरेंट होंगे तो माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, और साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर का, तो आंसर इज प्लस 6। फोर्थ पार्ट में पूछा है श्रीनगर प्लस शिमला, श्रीनगर प्लस शिमला इज लेस देन शिमला, ट्रू और फॉल्स। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2, और शिमला का टेम्परेचर है 5, तो -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, साइंस साइंस डिफरेंट है, माइनस करेंगे, है ना, 5 में से 2 गया 3, साइन ऑफ द ग्रेटर प्लस 3, और शिमला का टेम्परेचर कितना है 5, तो क्या ये 3 इज लेस देन 5, द आंसर इज यस। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है इज द कंबाइंड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर लेस देन श्रीनगर। तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 और शिमला का टेम्परेचर है 5, कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा 3, और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2। उसने पूछा है क्वेश्चन में कि इज द कंबाइंड टेम्परेचर लेस देन ऑफ श्रीनगर, तो इज 3 लेस देन -2, आंसर इज नो, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन -2, एवरी पॉजिटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द नेगेटिव क्वांटिटी, इस पार्ट का आंसर आपका आ जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट एंड रॉन्ग मार्क्स आर गिवन बिलो, फाइंड द टोटल। तो पहला काम ये करें आप, जितने पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं उनको ऐड कर दें, 25 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है, तो 25 प्लस 15 इज 40, 40 प्लस 10 इज 50, आपने 50 लिख दिया। और उसके साथ में आप एक काम करें कि दोनों नेगेटिव क्वांटिटीज को भी कंबाइन कर दें, तो
साइन सेम है तो प्लस करेंगे, 10 एंड 5 15, साइन ऑफ द ग्रेटर, और फाइनली 50 माइनस 15, ठीक है, डिफरेंट साइन है तो माइनस करते हैं, 50 में से 15 गया 35, साइन ऑफ द ग्रेटर, आंसर इज 35। क्वेश्चन नंबर 3, टेम्परेचर ऑन मंडे इज माइनस 5, नेक्स्ट डे द टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्रीज, ड्रॉप्ड है तो माइनस साइन लगेंगे, ठीक है, तो मंडे से नेक्स्ट डे ट्यूसडे टेम्परेचर कितना हो गया, साइन सेम है प्लस करेंगे, साइन ऑफ द ग्रेटर, तो मतलब हो गया टेम्परेचर ट्यूसडे को -7। नेक्स्ट डे इट रोज 4 डिग्री, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज तो प्लस साइन, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना हो गया, साइंस डिफरेंट है आप माइनस कर दें, साइन ऑफ द ग्रेटर, वेडनेसडे का टेम्परेचर -3, ठीक है, और ट्यूसडे का टेम्परेचर -7, ये दो पार्ट आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर्स अबव सी लेवल एंड अ सबमरीन इज 1200 मीटर्स बिलो द सी लेवल, आपको फाइंड करना है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डायरेक्ट मेथड तो ये है कि 5000 मीटर्स प्लस 1200 मीटर्स, दिस इज इक्वल्स टू 6200 मीटर्स, ठीक है, बट द मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट। द अप्रोप्रिएट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जो सी लेवल है उसको हम ले लेंगे 0, ठीक है, ये हमारे नंबर लाइन का 0 हो गया। प्लेन इज अबव 5000 मीटर्स तो अबव को प्लस लिखेंगे, और सबमरीन क्या है, बिलो है तो उसको माइनस लिखेंगे, और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज द ग्रेटर वैल्यू माइनस द स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, तो ग्रेटर वैल्यू क्या है 5000 माइनस द स्मॉलर वैल्यू इज -1200, तो दिस इज 5000, दो साइन आएगा, एक कंबाइंड करना है तो साइन सेम है तो प्लस कर देंगे, एंड 1200 दिस इज 6200 मीटर्स, करेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 5, सम डिपॉजिटेड इन द बैंक इज 2000, जो हमने डिपॉजिट किया उसको प्लस साइन लेंगे, और हमने विड्रॉ किया है 1642 रुपीस, विड्रॉ कर रहे हैं तो इसके लिए उसका साइन आ जाएगा माइनस। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द बैलेंस इन द अकाउंट, तो आपको क्या करना है, साइंस डिफरेंट है माइनस करना है, आप इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 358, साइन ऑफ द ग्रेटर, द बैलेंस इज 358 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम अ पॉइंट ए रीता गोज 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट मतलब राइट, शी रीचेस पॉइंट बी, दिस इज 20 मीटर्स फ्रॉम ए, राइट साइड में है तो प्लस साइन ले लेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट शी मूव्स 30 मीटर्स टुवर्ड्स द वेस्ट, तो पहले वो कवर करेगी 20 मीटर्स मतलब आ जाएगी पॉइंट ए पर, उसके बाद 10 मीटर्स और इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, मतलब कि अब जो नया पॉइंट है वो ए से कहाँ है, लेफ्ट, और लेफ्ट में क्या होता है वैल्यू -10, द न्यू पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए इज -10। क्वेश्चन नंबर 7a, आपको फाइंड करना है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है, तो मैजिक स्क्वायर वो होता है जिसके सारे रोज का जो सम है और सारे कॉलम्स का सम और इवन डायगोनल्स का सम इक्वल होता है, ठीक है, ऐसे स्क्वायर को हम लोग मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। तो फर्स्ट रो में आप देखेंगे 5-1 इज 4 एंड 4-4 इज 0, फर्स्ट रो का सम 0, सेकंड रो में -5-2-7 +7 0, थर्ड रो का टोटल दिस इज 3-3 इज 0, तो आप देखेंगे तीनों रो का टोटल सेम आया, दैट इज 0। अब हम लोग कॉलम कर लें, ठीक है, तो दिस इज कॉलम, फर्स्ट कॉलम 5-5 0 +0 इज 0, नेक्स्ट में दिस इज -3 एंड 3 0, थर्ड कॉलम दिस इज +3 +3 एंड -3 0, तो कॉलम्स का सम भी सेम आया। अब हम लोग डायगनल दे, तो फर्स्ट डायगनल आप देखेंगे दिस इज -5 +5 0, और सेकंड डायगनल दिस इज -2 एंड -4 इज -6, तो डायगनल का सम सेम नहीं आया, तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। मैजिक स्क्वायर वो होता है जिसके सारे रोज का सम, सारे कॉलम्स का सम
और सारे डायगनल्स का सम इक्वल आए, उसे हम मैजिक स्क्वायर कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट, ये भी एक मैजिक स्क्वायर है। फर्स्ट रो का टोटल कितना आएगा? 1 - 10 - 9। सेकेंड रो का टोटल -7 - 9। थर्ड रो का टोटल दिस इज -13 + 4 - 9। आपने देखा सारे रोज का टोटल आया -9। अब कॉलम्स देखने, तो कॉलम में क्या है, ये -10 - +1 - 9। दिस इज -13 - 4 - 9। दिस इज -9। तो सारे कॉलम्स का सम भी माइनस आया। डायगनल देख लें, फर्स्ट डायगनल ये है -10 + 1 - 9। एंड सेकेंड डायगनल देख लें, दिस इज अगेन -9। तो आपने देखा रो का कॉलम, रो का टोटल, कॉलम का टोटल और डायगनल का टोटल सभी इक्वल आया। इसको हम बोलते हैं मैजिक स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, आपको वेरीफाई करना है ए माइनस ऑफ माइनस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए और बी के वैल्यूज गिवन है। बस आप ध्यान रखना, जब वेरीफाई बोलते हैं या प्रूव बोलते हैं तो आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, और फिर हमें यह शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, हम बोलते हैं हेंस द अबव इज वेरीफाइड। ठीक है, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ए माइनस ऑफ माइनस बी, ए माइनस ऑफ माइनस बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ए की जगह क्या रख देंगे 21, माइनस ऑफ माइनस बी, बी की जगह रख दिया 18। ठीक है, तो दिस इज 21, दो साइन है, कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा प्लस 18 एंड द सम इज 39। ये आपका सॉल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। आर एच एस में आप क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए का वैल्यू है 21, बी इज 18, द सम इज 39। ठीक है, तो आपने देखा एल एच एस और आर एच एस इक्वल है। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट ए, आपको ग्रेटर या स्मॉलर का साइन लगाना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे दिस इज -8, इसके पहले कोई साइन नहीं, तो आप इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर कंबाइंड दो साइन है, तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, तो आप इसका कंबाइंड साइन माइनस लगा दें। एंड माइनस माइनस साइन सेम है तो प्लस कर देंगे, 8 and 4 is 12, साइन ऑफ द ग्रेटर द वैल्यू इज -12। यहाँ पर कंबाइन करेंगे साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सिंगल साइन है, इसको आप खोल दीजिए। साइन डिफरेंट है तो आप प्लस करेंगे, सॉरी डिफरेंट है तो माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया 4, साइन ऑफ द ग्रेटर। तो आपने देखा कि ये वैल्यूज इक्वल नहीं है, कौन सा वैल्यू ग्रेटर है, तो -4 is greater। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट में सिंगल साइन है, आप ब्रैकेट खोल सकते हैं। यहाँ डबल साइन है, प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 7 - 3 is 4 और 4 - 19 is -15। ठीक है, फिर से देखिए 7 - 3, तो ये तो सीधा सीधा 7 - 3 is 4, साइन डिफरेंट है, माइनस करेंगे, 19 में से 4 गया 15, साइन ऑफ द ग्रेटर यहाँ लग जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, 15 को 50 रहने दीजिए, ये दोनों माइनस साइन है सेम, कंबाइन करेंगे, साइन सेम है तो प्लस, साइन ऑफ द ग्रेटर माइनस, 15 - 17 is -2, विच इज ग्रेटर, -2 is greater than -15। थर्ड पार्ट देखिए, 23 + 11 is 34, -41। ठीक है, साइन डिफरेंट है, माइनस करेंगे तो आप माइनस कर दीजिए, कितना आया 7, साइन ऑफ द ग्रेटर। अदर साइड में आप इनको दोनों साइन सेम है तो कंबाइन करें, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 52, साइन ऑफ द ग्रेटर, 52 में से 23 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा
ठीक है, साइन ऑफ द ग्रेटर, विच नंबर इज ग्रेटर, -7 इज ग्रेटर, ग्रेटर का साइन। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट, मंकी इज एट स्टेप 1 एंड देयर इज अ टैंक एट स्टेप 9, इन वन जंप द मंकी मूव्स 3 स्टेप्स डाउन, मतलब प्लस, 1 से 9 की तरफ जा रहा है तो ऐड होगा, और इन द सेकेंड स्टेप इट मूव्स 2 स्टेप्स बैक, ठीक है। तो जब वो स्टार्ट करता है मंकी, ही इज एट स्टेप नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं, एक जिससे आपको समझ में आएगा और सेकंड जिससे आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए इसको करना क्या है। 2 जंप्स अगर लेगा वो तो +3 -2, मतलब वो एक ही स्टेप ऊपर जाता है। नेक्स्ट 2 जंप 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2, 2, 4, 6, 8, 10 स्टेप्स में वो कहाँ पहुँच गया, 10 जंप में वो कहाँ पहुँच गया, 1 पे था, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप पे पहुँच गया। क्या आपको इतना समझ में आ गया? इस तरह से आप 2, 4, 6, 8, 10 10 जंप्स में वो कितना पहुँच गया, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स आगे बढ़ गया, स्टेप नंबर 1 पहले से था तो स्टेप नंबर 6 पे पहुंच गया। अब ये नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट एक जंप और लेगा वो, तो एक जंप उसकी 3 स्टेप की होती है, तो वो 11th जंप में 9 मीटर्स 9th स्टेप पहुंच जाएगा एग्जैक्टली, और आपका आंसर है 11th स्टेप। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये मेथड समझ में आया हो, ठीक है। अब शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग में था वो स्टेप नंबर 1 में, उसे फाइनली पहुंचना है स्टेप 9, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, +3 -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2, ठीक है। आप देखिए इससे इसका रिजल्ट क्या है, 1, इसका रिजल्ट क्या है 1, इसका रिजल्ट है 1, इसका रिजल्ट भी 1, इसका रिजल्ट भी 1, तो आप देखिए ये कहाँ पहुँच गया, 1 स्टेप में था, तो स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 स्टेप से पहुँच गया। नेक्स्ट जंप में वो 3 की जंप मारेगा तो 6 + 3 9 स्टेप में पहुँच जाएगा, ठीक है। ये तो स्टेप्स हो गए, फर्स्ट स्टेप पे था, फिर सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 4, 5, 6, 6 + 3, 9 वो 9 स्टेप पे पहुंच गया। अब हमें फाइंड करना है कि उसकी जंप्स कितनी थी, तो स्टार्ट उसने किया था फर्स्ट स्टेप से और उसकी जंप क्या थी, उसकी जंप देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 जंप्स, तो टोटल जंप्स थी उसकी 11, 11 जंप्स में वो 9 मीटर्स 9 स्टेप पे पहुंच जाएगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अभी वो मंकी है एट द 9th स्टेप, उसे वापस टॉप पे आना है, 1 पे आना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में वो अप जा रहा है, कितने स्टेप्स, 4 स्टेप्स, ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है तो -4, और नेक्स्ट स्टेप में फिर वापस वो डाउन जाता है 2, तो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है 9th स्टेप से, 2 जंप में कितना जाएगा, -4 + 2, मतलब कि -2, नेक्स्ट 2 जंप्स में फिर से -2। अब आप इसकी पोजीशन देखिए, तो पोजीशन इसकी 2 and 2 4 जंप्स हो गए, और कहाँ पहुँच गया वो, 9 - 2 = 7, 7 - 2 = 5, 5th स्टेप पे पहुँच गया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ लिए, इसके आगे ध्यान से देखें, एक जंप और लेगा तो नेक्स्ट जंप इसकी कितनी होती है, -4, ये -4 हो जाएगा, मतलब फिफ्थ स्टेप में ये है 5 - 4 1 स्टेप, तो फिफ्थ जंप में वो स्टेप नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था कितने स्टेप्स में वो स्टेप नंबर 1 पे पहुंचूंगा, पहुंचेगा कितने जंप में, आंसर इज इन 5 जंप्स।
इसका ऑल्टरनेटिव मेथड, ये तो समझने के लिए था आप एग्जाम में आप कैसे करेंगे। वो स्टेप नंबर 9 पे था, अल्टीमेटली उसको पहुंचना है स्टेप नंबर 1 में। तो आप क्या करेंगे, -4 प्लस 2 -4 प्लस 2। अब आप पोजीशन देखिए, यहाँ 9 में से 4 माइनस किया 5 5 प्लस 2 7 7 में 4 माइनस किया 3 3 प्लस 2 इज 5। नेक्स्ट जंप वो -4 की करेगा तो 5 माइनस 4 इज 1। आप देखिए टोटल जंप्स कितने हो गए, टोटल जंप्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो जंप्स इज 5, 5 जंप में वो स्टेप नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए एक न्यू वीडियो बनाऊंगा। न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें।